नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। छिंदवाड़ा से जबलपुर जा रही एसएमटी बस में आज सुबह चौरई बाईपास के निकट आग लग गई। बताया जाता है कि चलती हुई बस में अचानक टायर फट गया। बस के स्पीड में होने के कारण रुकने से पहले ही चिंगारिया के कारण पहले बस के टायर में आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। गनीमत है कि सभी यात्री सकुशल बस में आग लगने से पहले ही नीचे उतर गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना आज सुबह की है। बस छिंदवाड़ा से जबलपुर जा रही थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया, परंतु तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। बीसीएन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। सोमवार को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर रात्रि ड्यूटी के दौरान ट्रेन नंबर 12834 अपर हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी और चल पड़ी, जब एक परिवार बच्चों के साथ चलती ट्रेन पकड़ रहा था, जबकि छोटा लड़का ड्यूटी पर था। पोषी गौतम शेसाट और सुनील कड़ू ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे के पिता पर चढ़कर चलती ट्रेन में बच्चे को गोद में लेकर दौड़कर अपना कर्तव्य निभाए। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों ने दोनों को बधाई दी। बीसीएन न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट। नागलवाड़ी वर्धामना में रविवार 10 सितंबर को भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की बैठक हुई है, जिसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। अन्याय, अत्याचार तथा भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए विविध समस्याओं पर मार्गदर्शन किया गया। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी करने वालों पर अब लगाम कसने की भूमिका भ्रष्टाचार विरोधक संगठन की होगी, ऐसा वक्तव्य मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक प्रहलाद अग्रवाल ने किया। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा ट्रक चालक मालक पर हो रही पीड़ा पर अंकुश लगाकर स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ भारत की मिसाल बनने के लिए एकत्रित होकर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने अपील भी की। इस अवसर पर पदाधिकारी तथा सदस्यों का चयन किया गया। चिबूर से एम कुमार जुमले इनका विदर्भ अध्यक्ष पद पर, विदर्भ मीडिया प्रभारी सौरभ पाटिल, नागपुर जिला कार्यकारी अध्यक्ष सचिन पांडे को नियुक्ति पत्र देकर चयन किया गया। इसी बीच वर्धा जिले की जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई। नवनियुक्त पदाधिकारी एम कुमार जुमले ने निष्पक्ष निस्वार्थ रूप से सफलतापूर्वक कार्य करने की जिम्मेदारी तथा भ्रष्टाचार के विरोध में कार्य करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा भ्रष्टाचार विरोधक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक प्रहलाद अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, विदर्भ अध्यक्ष एम कुमार जुमले, सुनील मिश्रा, दिनेश अग्रवाल, कल्पना लोखंडे, शुभम डुले, साईनाथ जगताप, अमोल शिंदे, सूर्यत्न जगताप, राहुल जगताप, स्वप्निल जगताप, सोनू लक्कास, पंकज शिंदे, सुरेश शिंदे, उत्तम कोस, भास्कर शिंदे, अनिल शिंदे, परमेश्वर लकस, अंस तांबे, रमेश जगताप, सुभाष जगताप, नारायण लक्स, विनोद तांबे, तुषार जुमरे, वंदना जगताप, आरती जगताप, रोशनी जुमरे, अश्विनी जुमरे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मेरा ये कहना है कि जिसके लिए आज हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं, उस मुहिम को हमने जो भी हमारे हितेशी, और उसमें मैं मानता हूँ कि हमारे मोदी जी जरूर ये चाहते हैं कि भय मुक्त और करप्शन मुक्त भारत होना चाहिए। ये तभी होता हो सकेगा जब हम सब मिलके उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे, और हमको मजदूर, किसान और सारथी भाई तीनों को बचाने के लिए फुल्ली प्रयत्न करने हैं। कंधा से कंधा मिला के हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचानी है, जिससे कि आज जैसे कि सब देश हमारे लिए आए तो हमारे साथ सब पार्टियां जुड़ें और वो ये कहें कि भाई सारथी को बचाना है, सारथी के बगैर हमारे देश का कोई वजूद नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं चिमूर चंद्रपुर से एम कुमार जुमले, एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से मेरा विदर्भ के प्रेसिडेंट के रूप में जो मेरा चयन किया गया है, इस पद की गरिमा समझते हुए मैं पूरे भारत में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जनसामान्य जनता की आवाज़ को सुनते हुए, विशेष रूप से चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, उनके ऊपर यदि अन्याय होता है तो उस अन्याय को वाचा फोड़ने के लिए, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। भ्रष्टाचार निरोधक संगठन नागपुर महाराष्ट्र,
में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हमारी जो ये यहाँ पे 10/9/2023 की एक मीटिंग रखी गई है, ये मीटिंग में हमारी जो नियुक्तियाँ हमने दिए हैं विदर्भ प्रदेश लेवल में एम कुमार जी को विदर्भ वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, मिस्टर सौरव पाटिल को मीडिया प्रमुख प्रभारी नियुक्त किया गया विदर्भ का, और मनोज कुमार पांडे को नागपुर का अपना वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरव पाटिल की रिपोर्ट। गोंदिया सिटी पुलिस स्टेशन अंतर्गत सिविल लाइन इलाके में रहने वाली ममता खटवानी के घर में सड़क पर घूम रहे चाबी मरम्मत करने वाले इंसान को लोहे की अलमारी का ताला ठीक करने के लिए घर में बुलाया गया, तो उक्त अजनबी ने अलमारी का ताला ठीक करते समय अलमारी में रखे 220 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। शिकायत गोंदिया शहर में दर्ज की गई थी। गोंदिया पुलिस को गोंदिया जिले में अपराधियों की खोजबीन कर अपराधियों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई। अपराध स्थल का दौरा करने और वादी से विस्तार से पूछताछ करने के बाद आरोपी द्वारा प्राप्त सीसीटीवी फुटेज की जांच, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर एवं गोपनीय मुखबिर के माध्यम से विश्वसनीय सूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी होटल सेंट्रल पॉइंट श्री टॉकीज रोड गोंदिया में रुका हुआ है। साथ ही आरोपी उधना जिला का रहने वाला है, उसके गुजरात राज्य के सूरत का रहने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम रवाना की गई। आरोपी का नाम गुरबीर धीर सिंह, उम्र 31 साल है। पुलिस की एक टीम वहां गई और उसे हिरासत में लिया गया, क्योंकि पता चला कि वह मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले के कटिया सूरत गुजरात में रहता है। हिरासत में लेकर अपराध के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि वह ताला मरम्मत के काम से गोंदिया आया था और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उसके पास से एक मोबाइल हैंडसेट और 11,68,600 रुपए कीमत के 173.5 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। यह शहर का गुना है आणि याच्यामध्ये आरोपी ने कुलपाच जी चावी आहे ती चावी दुरुस्त करून देतो असं सांगून हात चालकीने घरातले जे सोनं नाणं दागिने वगैरे जे होते तर हे सगळे लांबवलेले होते आणि याच्यामध्ये अथक प्रयत्नांनंतर जवळपास 220 ग्रॅम इतकं जे सोनं चोरीला गेलं होतं त्याच्यातलं 175 जवळपास ग्राम सोनं हे रिकवर केलेलं आहे, आरोपीला ताब्यात घेतलेलं आहे। आरोपी गुरबीर धीरसिंग चौहान हा मूळचा राहणारा राज्य गुजरात सुरत या ठिकाणचा आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्याकडून ही रिकवरी करण्यात आलेली आहे। पुढील तपास चालू आहे। या व्यतिरिक्त उर्वरित मुद्देमाल तसंच इतर काही गुन्ह्यांमध्ये हा जर आढळून आला फक्त आमच्या इथंच नाही गोंदियामध्ये तर त्याचबरोबर महाराष्ट्रातले इतर जिल्हे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमधले देखील इतर काही शहरं या ठिकाणी देखील यांनी अशाच प्रकारचा गुन्हा केलेला असू शकतो आणि त्यामुळं याच ठिकाणच्या व्यासपीठाचा वापर करून इतर ठिकाणच्या देखील पोलिसांना मी आवाहन करतो की ज्याला कोणाला आवश्यकता असेल आणि त्या पद्धतीचं जर निदर्शनास आलं असेल तर त्यांनी त्याला ताब्यात घेऊन पुढील तपास करावा। आम्हाला 16 तारखेपर्यंतची त्याची पोलीस कस्टडी आम्हाला मिळालेली आहे। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।